तो मैं आज आपको DMI के बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स नाम है इसका, जो नीचे इंडिकेटर खुला हुआ है। तो कभी कभी होता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कभी बाइंग होती है, सेलिंग होती है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता क्या हो रहा है। और कुछ ब्रेकआउट्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन फॉलो करता है कभी कभी, पर हर टाइम ऐसा ही रहता है, कुछ भी मालूम नहीं चलता। तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा और एक इंडिकेटर देखा जो कंफर्म बताता है कि हाँ यहाँ तक पहुँचेगा मार्केट कि नहीं पहुँचने वाला, मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट का आएगी या नहीं आएगी, कितना सेलिंग रहने वाला है, कितना बाइंग रहने वाला है। तो ये DMI, नीचे DMI खुला हुआ है, जो हमारी ये लाइन है, ये दिखाएगा हमारा सेलिंग, और जो ब्लू लाइन है ये वो दिखाएगा हमारा बाइंग, और जो ये है ये वोलेटिलिटी दिखाता है। मैंने और भी चैनल पे डाली, एक दो वीडियो डाली हैं, पर मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो जब भी डायरेक्शनल मूवमेंट, अगर DMI वोलेटिलिटी से ऊपर बाइंग सेलिंग दोनों है, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, तो जब भी ये दोनों ऊपर हों तो उसको कंसिडर ही मत कीजिए, क्या वो एक पॉइंट देगा? नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी से भी कम जा रही है और बाइंग और सेलिंग बराबर है, तो इसको खरीदने बेचने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी अभी यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक मोमेंट आता है जिसके बाद सेलिंग बढ़ती है, और सेलिंग बढ़ने के बाद में और यहाँ पे ये बाइंग घट जाती है, बाइंग वोलेटिलिटी से नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि जो बाइंग है ना बहुत कम हो रही है, तो ये इसने अपना एक मूवमेंट दिया यहाँ पे। ये देखिए आप क्लियर मूवमेंट देख सकते हो। तो उसके बाद में फिर एक मूवमेंट आया कि थोड़ी देर बाद, इतना तो मार्केट में आप रुकते हैं, देखते हैं क्या मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट बनते हैं एक 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 साथ, दो पॉइंट बने, क्या क्या वो था। फर्स्ट ये था कि इसने ये क्रॉस किया, और सेकंड भी यही है कि ये यहाँ से लगा लेते हैं, ये इसने इसको भी क्रॉस किया, मतलब इस लास्ट वाली को लगाओ या ना लगाओ, पर जो बड़ा है मतलब ये पूरे पूरे दिन का दिखा रहा है ना, इसलिए कंसीडर उसी को ज़्यादा करेंगे, उसमें ज़्यादा पॉइंट है और अच्छा है। तो इस पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है, ये वॉलीटिलिटी में जो सेलिंग है वो नीचे की तरफ चला गया है, पर बाइंग ऊपर की तरफ गया। अभी आप देख सकते हो ये वॉलीटिलिटी से बिल्कुल नीचे, इसको मतलब कि यहाँ पे सेलिंग नहीं है, ओनली बाइंग है। ज़्यादातर मार्केट में बाइंग होती है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है, तो हाँ ये दोनों चीज़ें होती हैं, पर ऐसा होता है ना, सब कुछ कंफ्यूजिंग होता है। तो उसके लिए ये DMI तो चेक करिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने ये पॉइंट क्रॉस किया, आप अपना टेक्निकल और उसको प्रोजेक्शन को प्लीज़ फॉलो करें, और उसको देखने के बाद आप एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि हाँ ये एक ट्रू पॉइंट है और जिस पे आप खरीद सकते हो। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे तो आगे की तरफ दिखाते हैं, कोई नहीं इसको छोड़ते, इसको इसको देखते हैं। यहाँ पे ये मार्केट एक डाउन मूवमेंट दे रहा है, डाउन मूवमेंट देने के साथ साथ देखिए वोलेटिलिटी हाई है। हाँ ये इसका मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेट अच्छे से करने वाला है, पर उसके साथ भी बाइंग और सेलिंग दोनों। ओ मैं इस लाइन के बारे में बताना भूल गया, जो 20 पर है हमारी एक लाइन है ये वाली जो 20 पे, इसका मतलब ये है कि अगर ये इससे नीचे कुछ भी ये DMI जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट चलेगा पर दौड़ेगा नहीं, बहुत हल्के से चलने वाला है। तो इसीलिए इस पॉइंट को कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है, मतलब एक फैसला नहीं ले सकते यहाँ पे। फिर भी आप देखिए, अगर आप प्रोजेक्शन अच्छे से जानते, तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते, आप खुद से भी देख सकते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, कुछ भी देखिए आप, कुछ भी कोई भी मतलब नहीं बनता, बस एक इस बात का मतलब बन सकता है कि इसने यहाँ से क्रॉस,
ये पिछले दिन का जो ट्रेंड बना हुआ था उसको तोड़ा इसने, और पिछले दिन के ट्रेंड को और नहीं ये डाउन मूवमेंट दे रहा है। तो इस ये कोई खास पॉइंट तो नहीं बन रहा, पर जैसा भी है ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते ये देखिए, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो कंफर्म ना होने के साथ में यहाँ पे भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वॉलिडिटी से ऊपर बाइंग सेलिंग चल रही है। तो कभी बाइंग कभी सेलिंग, कंफ्यूजिंग रहने वाला है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। और ये अब ये पॉइंट देखा, मतलब ऐसा है कि देखो कभी कभी होता है कि जैसे मेरा ऊपर वाला इंडिकेटर देख रहे हो तो उसके साथ हिसाब से मूवमेंट दे रहा है, पर ये कभी ऊपर कभी नीचे, कब ऊपर जाने वाला है। पर यहाँ पे एक क्लियर क्लियर पॉइंट मिलता है कि आपको इसका मतलब है, देखिए ये 20 से नीचे चली गई, इसकी सेलिंग वो सॉरी बाइंग इसकी 20 से नीचे चली गई और सेलिंग ऊपर बढ़ रही है। और उसके साथ साथ यहाँ इस पॉइंट से कभी कभी होता है कि वोलेटिलिटी कम होती है पर मोमेंट आने वाला होता है, तो उसके साथ वोलेटिलिटी भी ऊपर चली जाएगी। आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए इस बात पर, क्योंकि रिस्क इसलिए लेना चाहिए आपको, रिस्क लेने वाली बात इसलिए कि इसने देखिए इस मोमेंट इस पॉइंट को क्रॉस किया और ये ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट सेकंड कन्फर्मेशन हमारी ये थी, ये सेकंड कन्फर्मेशन ये DMI ने दी कि हाँ इसका पर सेलिंग आने वाली है, क्योंकि बाइंग नीचे जा चुकी है और वोलेटिलिटी इससे ऊपर है। प्लीज़ देखिए ये तीन कैंडल इसका, 1 2 3, आप कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। तो और भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए अगर सही लगे तो बताना, कमेंट में बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करके जाना, नया चैनल है तो भाई सपोर्ट तो बनता है थोड़ा बहुत।